जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोग का धीरज यादव 400 मीटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं आपको अग्निवीर, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, ए टू जेड जितनी भी जॉब होती हैं सब के बारे में आज हम बताने वाले हैं। दौड़ते कैसे हैं, रनिंग कैसे करते हैं और 5 किलोमीटर, 1600 मीटर रेस कैसे निकालते हैं। तो आप कहीं हमारे वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस में जैसे बिहार में 1600 मीटर होता है और अपने यूपी में 5 किलोमीटर होता है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में पुलिस का पेपर लोग निकाले हुए हैं भर्ती के लिए, दौड़ने के लिए हमारे इसी ग्राउंड पे आ रहे हैं। तो उनको हम देख के कुछ सीखें और उनको हम कुछ बताएं और हमें रिजल्ट भी मिला, तो इसलिए सोच रहे हैं कि हम ये जो रिजल्ट हमें मिल रहा है ये रिजल्ट आपके भी पास पहुंचे और आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत भाई लोग हैं, क्या करते हैं ये हम बता रहे हैं आपको। जैसे मैं आप लोग का 1600 मीटर रेस है पुलिस का, उसमें 6 मिनट मांगता है। तो आपको पता है कि हम अनफिट हैं, हम नहीं दौड़ पाएंगे, हम 10 मिनट में दौड़ रहे हैं। ठीक है, आप 10 मिनट में दौड़ रहे हैं, आप ग्राउंड पर जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है अब हम बता रहे हैं। आप देखिए, आप मान लीजिए 10 मिनट में दौड़ रहे हैं, आप अनफिट हैं। लोग बहुत बताएं क्या करते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, कपड़ा पहने रहेंगे, कपड़ा उतारेंगे और ग्राउंड का 4 चक्कर मारेंगे और कपड़ा पहनेंगे और घर चले जाएंगे और टाइमिंग लगाएंगे। ओ आज 4 चक्कर मारे 8 मिनट में लगा, कल मारे 7:50 का लगा, परसों मारे 7:50 का लग गया, फिर एक दिन बाद मारे 8 कुछ का लग गया। तो इससे क्या है पता है, हमें जितना दौड़ना है हम उतना नहीं दौड़ सकते हैं, उससे हमें एक्स्ट्रा भी दौड़ना होगा और उससे कम भी दौड़ना होगा। मतलब वर्क आपको करना होगा, ये नहीं है कि हमें 1600 मीटर भागना है तो सिर्फ हम आएंगे, कपड़ा उतारेंगे, 1600 मीटर भागेंगे और घर चले जाएंगे। ऐसे रेस आपका कभी नहीं बन पाएगा। रेस कैसे बनाना है हम बताते हैं, बहुत सिंपल से है, कुछ नहीं करना है। आप जितना टाइम वहाँ ग्राउंड पर देते हैं उतना टाइम ही देना है, बस आपको एक अच्छे से टाइम देना है। ऐसे नहीं कि यहाँ से जाएँ हम कपड़ा उतारें और फेंकें और दौड़ें और पहन के फिर रूम पे चले जाएं, ऐसे नहीं करना है। आपको जाना है सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में समझ रहे हैं, कहीं हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारा नस इधर दबा रहता है, मतलब अच्छे से नस हमारा खुला नहीं रहता और शरीर एकदम टाइट रहता है। तो उसके लिए आपको पता है एक्सरसाइज ये करना है, कमर का करना है, थोड़ा पैर खोल के करना है, थोड़ा ये ऐसे करना है, हाथ वो चला के, मतलब आपको फ्री हुई आपका ऐसे ऐसे करके गर्दन की एक्सरसाइज, मतलब पूरा से नीचे ऊपर हल्का हल्का एक्सरसाइज करके आपको पूरा शरीर अपना फ्री कर लेना। फिर उसके बाद आपको ग्राउंड में जब गए तो आपको 5 राउंड 6 राउंड 10 राउंड वार्म अप करना है स्लो स्लो। वार्म अप करने के बाद फिर आपको अच्छे से एक्सरसाइज करना है, उसके बाद एक आपको स्ट्राइड लगाना है। स्ट्राइड लगाने के बाद फिर आपको 1600 मीटर कहीं भागना है। तो आपको ऐसा नहीं कि रोज 1600 मीटर ही भागेंगे तो 1600 मीटर बन जाएगा, ऐसा नहीं। कभी आप भाग लिए 5 चक्कर, कभी 6 चक्कर, कभी 7 चक्कर, कभी 4 चक्कर, 3 चक्कर, 2 चक्कर, 1 चक्कर, 200 मीटर, 100 मीटर स्पीड के लिए, 80 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, ये सब स्पीड के लिए होता है। क्यों? आपका 1600 मीटर है, आप भाग रहे हैं और आपके पास स्पीड रहेगा ही नहीं, आपको आगे निकलना है, आप वही धीरे 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 थक गए पहले से तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्पीड के लिए भी आपको छोटा भी रिपिटेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब छोटा भी आपको दौड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हम 1600 मीटर ही दौड़ेंगे, आपको ऊपर भी दौड़ना है। वर्क इसका बहुत अलग होता है। लोग क्या करते हैं, रेस नहीं निकलता, अफसोस करते हैं, अरे इस बार पुलिस में पेपर निकाल लिए थे, रेस नहीं निकल पाए। आप मोटे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप अंदर से फिट होना है आपको, ये टेंशन ना लीजिए कि हम मोटे हैं तो रेस नहीं निकल पाएंगे। आपको कहीं आप मोटे हैं तो आपको अच्छे से चीटर उटर पहन के, वेस्लिन उस्लिन लगा के आपको वार्म अप करना है, रोज 1 घंटा आधा घंटा दौड़ना है, उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। और उसके बाद आपको उसी चीटर उटर पहनने फिर आपको स्टाइल लगाना है कि आपका जो स्पीड है वो मेंटेनेंस रहे, क्योंकि लोग स्लो स्लो रनिंग करते हैं उसका स्पीड मर जाता है। तो 1600 मीटर वर्क करने के लिए कहीं आप लोग को बताइएगा, आप लोग को 1600 मीटर वर्क का कहीं वर्क चाहिए 1600 मीटर रेस निकालने के लिए, तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पे हम व्हाट्सएप पे आपको वर्क भेज देंगे कि 1600 मीटर रेस के लिए कैसे। हम बता रहे हैं आपको 1 महीना, कहीं हम आपको 1 महीना 30 दिन कहीं आप मेरा अच्छे से वर्क कर लेंगे दोनों टाइम, तो हम बता रहे हैं आप बहुत बढ़िया भाग जाएंगे।
पांच डाउन तो भाग जाएंगे आप, या तो एकदम अनफिट है तो 5:20, 5:30 का तो आप रेस लगा देंगे, आपका रेस निकल जाएगा, इसकी जिम्मेदारी हमारे पे है। आपको बस फिट रहना है, ये नहीं कि हम मोटे हैं हम दौड़ नहीं रहे हैं। और इस सब का हम बताएंगे कि ऊपर से लेके नीचे तक दर्द कहाँ होता है आपको, और हम बताएंगे तो आप कहेंगे भी कि हाँ भाई दौड़ते हुए हमें यहाँ दर्द होता है, ये दर्द होता है, ये दर्द होता है, सब हम बताएंगे। तो 5 किलोमीटर का बताते हैं, और दर्द की बात और शरीर की पूरी हम कैसे क्या करना है हम सब बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। तो 5 किलोमीटर में भी लोग क्या करते हैं, आते हैं ग्राउंड पे, दौड़ते हैं ऐसे ही, कपड़ा उतारेंगे, दौड़ेंगे 5 किलोमीटर और चले जाएंगे। तो भैया ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको 5 किलोमीटर वाले को कम से कम तो 40 मिनट 50 मिनट कंटिन्यू स्लो स्लो रनिंग करना है, 1 घंटा कंटिन्यू आगे स्लो स्लो रनिंग करना है। फिर उसी जैसे हम 1 घंटे में मान लीजिए कि हम 10 किलोमीटर कवर करते हैं, तो फिर हमें उसी 1 घंटे में 12 किलोमीटर कवर करना है, 13 किलोमीटर कवर करना है, फिर टाइमिंग कम करना है और कवर ज़्यादा करना है, ऐसे करना है। फिर उसके बाद हमें 30 मिनट में लगभग 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तय करना है, फिर हमें 25 मिनट में 6 किलोमीटर तय करना है। जब हम 25 मिनट में 6 किलोमीटर तय करने लगेंगे तो हम ऑटोमेटिक 20 मिनट में हम 5 किलोमीटर तो तय कर लेंगे। आगे आपको इंड्योरेंस बनाना है, आपको ऐसा तो है नहीं कि हमें पता है कि आप कहेंगे हमें वहाँ वार्म करने का टाइम नहीं मिलता है, तो वार्म करने का टाइम नहीं मिलता है, बाकी हम ग्राउंड पे आगे अपने आप को फिट करने के लिए तो वार्म करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वार्म नहीं करेंगे। और हम जा रहे हैं, हमें पता है कि वहाँ पे ऐसे भगाएंगे तो हम ऐसे वर्क तो नहीं करेंगे, अगर तो हम फिट तो हो लें, उसके बाद आप करते रहिए, आप कहीं अंदर से फिट हो जाएंगे तो आप कर सकते हैं, बिना वार्म अप के भी भाग जाएंगे, बाकी आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। फिट कैसे होंगे आप, फिट जैसे हम बता रहे हैं आप ऐसे होंगे, वहाँ पे आपको जैसे भगाएंगे आप ऐसे भाग जाएंगे, आप उसका टेंशन ना लीजिए कि हमें वहाँ पे बिना वार्म का भगाया जाता है और बिना एक्सरसाइज का भगाया जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भाग जाएंगे। बाकी आगे आप लोग नहीं कहते हैं कि बेसिक आगे मजबूत करिए तब जाके मजबूत होगा, तो लोग नहीं जैसे छोटे से आगे पेड़ को अच्छे से पानी देते हैं और उसको लगाते हैं तब जाके वो बड़ा होता है तब फल देता है, ऐसे ही करना होगा हमें अपने ऊपर भी। क्या हम लोग क्या सीख क्या हैं, हम भी आए यहाँ पे, हमें दौड़ने नहीं आता था, हम जो है 400 मीटर तय करते थे 1 मिनट में, आज 400 मीटर तय करते हैं 48 सेकंड में, तो कम हुआ, मेहनत किए और क्या किए। और वार्म अप भी हम बताते हैं, हम नेशनल खेलने गए थे वहाँ पे इतना ठंड था कि वार्म अप करने का भी टाइम नहीं मिला और बॉडी भी गर्म नहीं हुआ, तो क्या भाग नहीं पाए, भाग गए, क्यों, क्योंकि हम मजबूत थे अंदर से, और मजबूत कैसे हुए, वार्म अप करके, वर्क करके। तो आपको भी वर्क करना है, वार्म करना है, ये नहीं कि हम 5 किलोमीटर 1600 मीटर भागना है तो आपको 5 किलोमीटर 1600 मीटर नहीं लगाना है, आपको 5 किलोमीटर भागना है तो आप 2 किलोमीटर भी लगा सकते हैं, 3 किलोमीटर भी लगाइए और 5.5 किलोमीटर भी लगाइए, 6 किलोमीटर भी लगाइए, टाइमिंग लगाते रहिए और आप करते रहिए। 1600 मीटर लगाना है 2 किलोमीटर लगाइए, कभी 3 किलोमीटर लगाइए, कभी 2400 मीटर लगाइए, कभी 1200 मीटर लगाइए, 800 मीटर लगाइए, आपको ऐसे वर्क करना होगा। तो आप, और हम बताते हैं आपका भागता हुआ सबसे फर्स्ट चीज, पेट पकड़ता है, इधर दर्द होता है, भागेंगे ऐसे दर्द होने लगेगा, तो उसके लिए आपको सीटअप करना बहुत ज़रूरी है। सीटअप किसी से पकड़वा लीजिए पैर और पीछे से आगे तक उसका पेट का एक्सरसाइज करिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें भागना है तो हम आए कपड़ा उतारें सोलो से दौड़ें और भाग गए, भैया उसके लिए आगे आपको फिट होना बहुत जरूरी है। तो पेट का एक्सरसाइज करिए और डीप्स जरूर मारा करिए, क्योंकि लास्ट में जब हम थक जाते हैं तो हम हाथ जितना चलाएंगे उतना पैर चलेगा। आपको कहीं विश्वास ना हो तो इस बात को दोबारा बोलो, नोटिस करिएगा, आप ग्राउंड पे आज जाइएगा और आज आप थक जाइएगा तो लास्ट में हाथ बहुत तेज चलाइएगा तो ऑटोमेटिक आप रेस भाग जाएंगे और आपका रेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हाथ के लिए डिप्स बहुत ज़रूरी है, पीछे से किसी से पैर पकड़ा के आप हैंड वॉक करिए और फिर पीछे से पैर पकड़ा के डिप्स मारिए, मतलब हाथ में इतना पावर भर दीजिए कि लास्ट का हम फिनिशिंग कर लें। और पैर के लिए आप स्टेयर करिए, सेंट जंप करिए, जंपिंग एक्सरसाइज करिए और डबल लेग जंप, मतलब जितना भी जंपिंग है आप देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब में है, उतना जंपिंग आप करिए, ये भी आपको भरना बहुत जरूरी है। और बहुत लोग बिना सूच का भागते हैं और बहुत लोग सूच खराब रहता है, तो सबसे पहले तो होता है सीन पेन, उसके बाद होता है घुटना में दर्द। तो क्या करना है, आपको सूज एक बढ़िया लेना है, सूज बढ़िया, अभी आप पुलिस में आर्मी में जॉब करने जा रहे हैं तो एक 2000 का 1500 का सूज आप मोटे सोल का देख के आप सूज ले सकते हैं, जो आपको ऐसे दबाने पर सूज दबे, एक कोई ऐसा सूज लेना है, उससे आपको दौड़ना है, वहाँ पे भी सूज नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बार वहाँ भागेंगे तो दर्द नहीं होगा।
आप कहीं पहले से ही दर्द लिए हैं, आप दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, आपका वर्क हो ही नहीं पा रहा, आप फिट हो ही नहीं पा रहे हैं, बस इसी दिमाग से कि अरे वहाँ तो हमें जूता लगाने के लिए देंगे ही नहीं, हम वहाँ जूता पहन ही नहीं पाएंगे, हम जूता पहने कोई चढ़ जाएगा, निकल जाएगा, हरा जाएगा। अरे ठीक है, उसके लिए तो फिट होने के लिए पहले आगे हमें जूता तो पहनना पड़ेगा, जब दर्द हो रहा है तो हम क्या करें इसके लिए, बताइए आप, जूता तो पहनना होगा। तो आपको जूता पहन के आगे जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करना है, और एक दिन की बात है तो आप मुंह मुंह लगा के यहाँ पे भाग सकते हैं। और घुटने में दर्द हो रहा है तो भैया इस टाइम थोड़ा बच के, ठंड भी बहुत है तो आप नी कैप पहन लीजिए, और थोड़ा इसको मालिश वुलिस कर किया करिए गर्म तेल वेल करके। कमर में दर्द होता है तो कमर का एक्सरसाइज है, आप लेट जाइए, बैक लेटने के बाद किसी से पीछे से पैर पकड़वा दीजिए, और बैक सीटअप होता है जो कमर की एक्सरसाइज के लिए बहुत बढ़िया है, और आपको यूट्यूब पे कोर एक्सरसाइज मिल जाएगा। आप कोर एक्सरसाइज के लिए मतलब कहीं आप घर से आते हैं ग्राउंड में तो कम से कम आप ये सोच के आया करिए कि हमें 2 घंटा ग्राउंड पे रहना है, रहना है मतलब ये नहीं कि हम 2 घंटा बैठे रहेंगे, 2 घंटा हम दोस्तों से बात करेंगे, फ़ोन से बात करेंगे, ये नहीं, 2 घंटा हमें वर्क करते हुए मिलना है। कहीं आप 2 घंटा वर्क करते हुए कहीं डिसिप्लिन से 1 महीना कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी आर्मी हो, पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, एसएससी जीडी कोई भी हो, आप रेस भाग जाएंगे। और ये मत सोचा करिए कि हमें रोड पे 5 किलोमीटर भागना है, 1600 मीटर भागना है तो हम ग्राउंड पे भाग रहे हैं, उस पर आदत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं ग्राउंड पे से कहीं रोड पे भागेंगे तो बहुत बढ़िया भाग जाएंगे, क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे हम रोड पे पता नहीं चलता है रेस, और ग्राउंड पे रेस पता चलता रहेगा, और जब रोड पे आप जाएंगे ना तो आप बहुत ही बढ़िया भाग जाएंगे। जैसे हम लोग कहीं हम लोग ग्रास ग्राउंड पे वर्क करते हैं और सिंथेटिक ग्राउंड पे आते हैं तो हम लोग बेस्ट करते हैं, क्यों? ये पंपिंग देता है और ये ग्रास से इससे अंतर है, तो ऐसे इस ग्राउंड से और रोड से भी अंतर है, लेकिन आप जब इस पे वर्क करेंगे तो उस पे आप बेस्ट कर लेंगे। आपके पास शनिवार का दिन है, आप बाहर चले जाइए, लॉन्ग करके आ जाइए, उस दिन आप अपना कर लीजिए। बाकी कहीं हम कंटिन्यू रोड पे भी दौड़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, हमारा घुटने में भी दर्द होगा, कमर में भी दर्द होगा, सीन पेन भी होगा और सही नहीं होगा, काफ में दर्द होगा, काफ मसल्स खींचेगा, तो ये सब दर्द होगा। इसलिए रोड पे ज़्यादा भी जाना ज़रूरी नहीं है, आप ग्रास ग्राउंड है, सिंथेटिक ग्राउंड है, उस पर वर्क करिए, ठीक है? कहीं दोनों नहीं है तो आप रोड पर दौड़ सकते हैं, बाकी अपने आप को थोड़ा हिसाब से, आप जो सेगा का जूता पहनते हैं, जो भी जूता पहनते हैं, मतलब आपको बढ़िया जूता पहनना है, ऐसा नहीं कि आप एकदम जूते के नीचे ग्रिप रहे ही ना, हम दौड़ रहे हैं और दर्द भरते जा रहे हैं। आपको ऐसा जूता लेना जो मोटा सोल का जूता रहे, हम दौड़े भी तो जूता दबे और मेरे शरीर का भार पूरा जूता पे ही जाता है, तो इसी की वजह से कहीं जूता मेरा खराब रहेगा तो सीन पेन और घुटना और कमर में जोर जाता है, तो ये आपको मजबूत करना है। और आपको कहीं यूपी पुलिस किसी भी रेस का 5 किलोमीटर 1600 मीटर किसी भी चीज़ का कहीं आपको वर्क चाहिए या तो आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप बताइएगा, हम आपसे बात करेंगे, हम आपको बताएंगे ट्रेनिंग कैसे करना है, और आप अपना व्यवस्था बताएंगे कि हम 1 टाइम करना है कि 2 टाइम करना है, उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग का वर्क भी बता देंगे। और आप एक बार हमारे कहने पे 1 महीना की फॉलो कर लीजिए, कहीं आपके टाइमिंग कहीं नहीं घटता है तो बताइएगा, आप कहीं 8 मिनट की भाग रहे हैं 1600 मीटर तो हम बता रहे हैं हम आपको 6 डाउन 1600 मीटर भगा देंगे, या तो गर्ल्स रहें या तो बॉयज रहें, आपको बस अंदर से फिट रहना बहुत ज़रूरी है। हम ऊपर से फिट नहीं है, ठीक है, हम मोटे हैं, बहुत हेल्दी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अंदर से फिट रहना है। फिट कैसे रहेंगे? हम वर्क करके फिट रहेंगे, बता रहे हैं आप कहीं 15 दिन भी कहीं कंटिन्यू, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, कहीं 15 दिन भी कंटिन्यू कहीं आप सुबह शाम दौड़ेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। आप वेट का भी चक्कर मत करिए, बहुत लोग का वेट होता है, वो सोचते हैं मेरा इतना वेट है, क्योंकि हमारे साथ एक भैया थे उनका वेट बहुत ज़्यादा था, वो वेट के चक्कर में पेपर तो निकाल लिए थे लेकिन पुलिस में नहीं हो पाए थे, तो बहुत अफसोस हो रहा था कि उनको हम सुबह शाम लेके जाते थे बाकी वो रेस छोड़ देते थे, और उनका वेट हम बहुत लॉस करा दिए थे बाकी वो अंदर से अनफिट थे, दिमाग से अनफिट थे कि हम नहीं निकाल पाएंगे, उनको हम बहुत कहते थे आप निकाल लेंगे बाकी वो यहाँ, तो हम उनको 5-10 की रेस भगा के भेजे थे जहाँ पे उनका दौड़ था, लेकिन वहाँ पे वो जाके रेस ही छोड़ दिए। तो भैया आपको वहाँ पे जाना है, ज़िंदगी बनाना है और जॉब करना है तो भैया रेस भी नहीं छोड़ना है, और रेस क्यों छोड़ते हैं लोग? क्योंकि इधर दर्द होता है तो इसलिए रेस छोड़ते हैं। तो आपको भैया पूरा शरीर ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फिट रखना बहुत ज़रूरी है, हाथ से, पेट से, पैर से, सब। तो 1600 मीटर भी रेस निकल जाएगा आपका और 5 किलोमीटर भी रेस निकल जाएगा। तो आप लोग को कहीं वर्क के बारे में पूछना होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नंबर दे देंगे, आपसे हम बात भी कर लेंगे और आपको हम भेज भी देंगे, फिर आप एक बार
हमारा भी वर्क लीजिएगा और आप करिएगा, फिर बताइएगा कैसा रहा। तो आपको वीडियो कहीं अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।